हेलो स्टूडेंट्स, आज डायमेंशन का अगला एप्लीकेशन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है कि कोई भी हमें फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूले को हमें चेक करना होगा कि वो डायमेंशनली विमीय रूप से सही है कि नहीं है। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल्स लेते हुए हम करेंगे। करेक्टनेस हेडिंग कहलाएगी इस टॉपिक की, करेक्टनेस ऑफ डायमेंशन, करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला विद हेल्प ऑफ डायमेंशंस। जो फॉर्मूला दिया गया है उसका विमीय विधि से हमें चेक करना होगा कि वो फॉर्मूला सही है कि गलत है। ठीक है, इसको भी कुछ एग्जांपल की हेल्प से हम सोल्व करते हैं। अगले एप्लीकेशन को देखिए। जैसे अपने को दिया गया है हाफ एम जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच। हमें चेक करना होगा कि ये जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली सही है कि नहीं है। इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी दी गई है उसकी डायमेंशन निकालनी होगी और राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी दी गई है उसकी डायमेंशन निकालनी होगी। जब दोनों की डायमेंशन अगर बराबर आ जाती है तो हम बोलेंगे कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, अन्यथा नहीं है करेक्ट। ठीक, तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए हाफ तो एक नंबर है, ठीक है, डायमेंशन में नंबरों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए जो भी नंबर यहां आपको मिलेंगे उन नंबरों के जो डिजिट आपको मिल रहे हैं उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं निकलेगी। ठीक, तो 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होती है इसलिए इसको हम लिखेंगे ही नहीं। m means mass, v means velocity, velocity की डायमेंशन होती है l t minus 1 का होल स्क्वायर। वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, स्क्वायर चल रहा है तो ये स्क्वायर लगा दिया, डायमेंशन आनी चाहिए, बिना डायमेंशन के काम नहीं होगा। सोल्व कीजिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हमें मिली है लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। ठीक, कुछ भी नहीं किया हमने, डायमेंशन निकाली और कोई काम नहीं किया है। राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में आपको मिल रहा है एम जी एच। एम मीन्स मास द्रव्यमान, जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्व त्वरण, और एच मीन्स हाइट ऊंचाई। ठीक है, डायमेंशनली चेक करेंगे इसको। m means mass, g means l, t minus 2, acceleration due to gravity, है तो acceleration ही, ठीक है, तो इसकी dimension वही होगी जो acceleration की है, l, t minus 2, किसकी हो गई, g की, into height, length है, l। जब हमने इसको solve किया तो हमें मिला m एल टू टी माइनस टू। क्या लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल मिल रही है? क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल मिल रही है? अगर मिल रही है तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आर एच एस के।
दैट मीन्स फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम बोल देंगे कि ये जो हमें दी गई है इक्वेशन, ये डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर लेना है। और अगर किसी फॉर्मूले में कोई डिजिट मिल जाता है, कोई नंबर मिल जाता है, तो हम उसको डायमेंशन में काउंट नहीं करते हैं। इस तरीके से हमें इसको चेक करना होता है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं। अगला एग्जांपल देखिए, एफ बराबर एम जी स्क्वायर अपॉन आर। एफ हो गया बल फोर्स, एम से मास मतलब द्रव्यमान, वी से वेलोसिटी मतलब वेग, आर से रेडियस मतलब लेंथ त्रिज्या। ठीक, तो वही तरीका, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल देखना है हमें। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम वन एल वन टी माइनस टू। सीधा याद है तो लिख दीजिए, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम एल टी माइनस टू। ठीक है, अब हमें लेना है राइट हैंड साइड। तो देखिए राइट हैंड साइड में कौन आ रहा है, राइट हैंड साइड में आ रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम से मास, वी से वेलोसिटी, ये निकाले वी स्क्वायर भी किया हुआ है, एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एल। तो एम एल टू टी माइनस टू अपॉन एल, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो आर एच एस की डायमेंशन हमारे पास आई एम एल टी माइनस टू। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, दोनों डायमेंशन इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली सही है। अगर नहीं आती है इक्वल तो हम बोलेंगे फॉर्मूला डायमेंशनली सही नहीं है। ये सूत्र जो हमें दिया गया है ये विमीय रूप से बिल्कुल सही आ रहा है, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS इसमें भी। ठीक, इस तरीके से हमें इसको करना है। नोट कीजिए, एक दो एग्जाम्पल और करवा देता हूं आपको। देखिए मोशन की इक्वेशन पड़ी हुई आपकी गति की समीकरणी पीछे क्लासेज में, ठीक है, उनको लेके अपन चेक करते हैं। तो गति की पहली समीकरण थी हमारे पास, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हमें यह चेक करना है कि यह डायमेंशनली सही है कि नहीं है, इसे हमें चेक करना होगा कि ये डायमेंशनली सही है कि नहीं आ रही है। इस चीज़ को हम चेक करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला विमीय रूप से सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो जहाँ ये बता देता हूँ मैं क्या क्या है, v तो है अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग,
ए है एक्सीलेशन त्वरण, टी है टाइम समय, ठीक है। तो अब आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ की डायमेंशन को चेक करना होगा। तो सबसे पहले हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्यूशन हो रहा है मेरा इधर, अब देखिए सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, ओनली वेलोसिटी, और वेलोसिटी मींस वेग, वेग का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस वन, एम नहीं है तो मत लगाओ, चाहो तो एम जीरो भी लगा दो आप, कोई इश्यू नहीं रहेगा उस चीज के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एल टी माइनस वन। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में कौन आ रहा है, U प्लस ए टी। तो एक्चुअल में राइट हैंड साइड में दो अलग अलग क्वांटिटी है, ठीक है, राइट हैंड साइड में दो अलग अलग क्वांटिटी है, तो क्यों ना दोनों की अलग अलग करके डायमेंशन निकाल लें। पहले राइट हैंड साइड में U है तो U की निकाल लेते हैं डायमेंशन, फिर ए टी है तो ए टी की निकाल लेते हैं, अलग अलग रूप में निकाल देते हैं। तो U खुद क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ही मिली है अभी भी, तो वेलोसिटी हो गया एल टी माइनस वन। ये लीजिए आरएचएस में जो पहला क्वांटिटी आ रही थी U, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, वेग तो वेग ही है, तो एल टी माइनस वन, तो इसकी डायमेंशन भी वही होगी जो V की है। अब आरएचएस में ही हमारे पास दूसरी क्वांटिटी और है, वो कौन है, ए टी। इसको सोल्व करते हैं, अब ए हो गया एक्सीलेशन एल टी माइनस टू इंटू टी, तो दोनों बेस सेम है, पावर माइनस टू प्लस वन, तो माइनस वन आ गई, अगेन मिला इसको सोल्व करने पर एल टी माइनस वन। देखिए आप जब भी ऐसी पोजीशन मिले तो LHS में जो डायमेंशन आ रही है वो RHS की अलग अलग डायमेंशन के इक्वल आती है तो वो डायमेंशनली सही है, अन्यथा नहीं है। क्या दोनों RHS LHS के बराबर है क्या, अगर दोनों में से एक RHS LHS के बराबर होता और एक नहीं होता तो ये सही नहीं होती। अगर दोनों RHS LHS के बराबर आ रहे हैं तो ये डायमेंशनली सही है, अन्यथा नहीं है। बात को समझना, दो क्वांटिटी थी, ये दोनों क्वांटिटी अगर LHS की डायमेंशन के बराबर आ रही है तो ही ये डायमेंशनली सही है, अगर दोनों में से एक आ गई एक नहीं आ रही है तो सही नहीं है। कुछ एग्जांपल और दूंगा मैं आगे तो और ज्यादा क्लियर आएगी। इस एग्जांपल को लेने का मतलब समझना क्या है, यह कौन था, यू मीन्स वेलोसिटी, ये भी डायमेंशनली क्या दिख रहा है तेरे को, वेलोसिटी। मतलब एक एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंट, एक लिमिटेशन बन गई आपकी डायमेंशन की, कि डायमेंशन में हमेशा प्लस या माइनस वही क्वांटिटी होगी जो गिवन है, जो पहले है। जैसे यू है, यू में 80 जुड़ रहा है तो ये 80 कौन होगा, 80 यू ही होगा, ये एफ नहीं हो सकता। वेलोसिटी में वेलोसिटी को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, एक्सीलेशन में एक्सीलेशन को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, फोर्स में फोर्स को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, मतलब सेम को फिजिकल क्वांटिटी को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगर यू में 80 जुड़ रहा है इसका मतलब 80 भी कौन है, 80 का नहीं पता कौन है, बट यू का पता है वेलोसिटी है, ए का पता है, टी का अलग अलग पता है, बट 80 का नहीं पता, 80 कौन है, अगर ये यू है वेलोसिटी है तो 80 भी कौन होगा, वेलोसिटी ही होगी। इस बात को समझना है आप, नोट कीजिए। अगली क्वेश्चन लेते हैं, देखो मोशन की, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर आएगा
यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस डिस्प्लेसमेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखिए, एस कौन है? डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, मतलब दूरी एल। अब देखिए जो क्वांटिटी यूटी आएगी वही क्वांटिटी कौन होगी? ए टी स्क्वायर होगी। क्यों? क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी में उसी क्वांटिटी को जोड़ा या घटाया जा सकता है, दूसरी को नहीं। आरएचएस में देखना है हमें, आरएचएस को सबसे पहले वाली ले लीजिए यूटी। यूटी का हो गया यू तो वेलोसिटी, एल टी माइनस वन इंटू टी कैंसिल, बच गया एल। तो एक्चुअल में यूटी कौन है? लेंथ। अगर यूटी लेंथ है तो लेंथ में कौन ऐड होगा या माइनस होगा? कौन प्लस माइनस होगा लेंथ में? लेंथ ही। तो अगली क्वांटिटी कौन बनेगी? लेंथ ही बननी चाहिए। अगर बनती है तो डायमेंशनली सही है, वरना गलत है। चेक करेंगे अभी आरएचएस की दूसरी क्वांटिटी देख लो, हाफ एटी स्क्वायर। हाफ को तो काउंट नहीं करना है, डायमेंशन बनेगी नहीं इसकी। एक की हो गई एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर कैंसिल, बचा कौन? एल 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 एल। आरएचएस की दोनों क्वांटिटी एलएचएस की डायमेंशन के इक्वल आ रही है। ठीक, इस तरीके से करेंगे ये डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है। इसी तरीके से इसको सोल्व करना है हमें। नोट कीजिए, एक को ले लेते हैं, मोशन की तीसरी इक्वेशन ले लीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस टू ए एस। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? v मीन्स स्मॉल v लिखा है, स्मॉल v हमेशा वेलोसिटी के लिए लिखा जाएगा। वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस वन, इसका कर दीजिए स्क्वायर, तो आ जाएगा एल टू टी माइनस टू। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड। पहली क्वांटिटी है यू स्क्वायर, ये भी वेलोसिटी है। अगर ये यू स्क्वायर है तो ये भी कौन होगा? यू स्क्वायर ही होगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड होती है इस कंसेप्ट से। तो अगेन एल टी माइनस वन का स्क्वायर, तो ये आ गया एल टू टी माइनस टू। अगला ले लीजिए आरएचएस में ही टू ए एस। टू तो नंबर आ गया, एक डिजिट आ गया, जो कोई डायमेंशन नहीं होगी उसको डायमेंशन में काउंट नहीं करना है। ए माने एक्सीलेशन, एल टी माइनस वन, सॉरी एल टी माइनस टू। इंटू एल, तो ये मिल गया एल टू टी माइनस टू। इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, क्या इक्वल आ रही है एल एच एस की डायमेंशन आर एच एस की दोनों क्वांटिटी की डायमेंशन के? इसका मतलब ये डायमेंशनली सही है। इस तरीके से हमें इनको करना होगा। एक क्वेश्चन और लेता हूं,
एक एग्जांपल और देखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम जी स्क्वायर प्लस एम ई की। काइनेटिक एनर्जी मीन्स एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन होती है एम एल टू टी माइनस टू। किसकी डायमेंशन आ गई ये? LHS की, यही लिख रहा हूं मैं। अब RHS की देखते हैं अलग अलग। RHS में देखिए क्या रहा है। सबसे पहले क्वांटिटी आ रही है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ तो आएगा नहीं, एम वी स्क्वायर को काउंट करते हैं तो एम एल टू टी माइनस टू, एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो एल टू, ये रहा एल टी माइनस वन वी स्क्वायर, एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर तो एल टू टी माइनस टू, ये भी वी स्क्वायर रहा तो एल टू टी माइनस टू। ठीक है, दूसरी क्वांटिटी कौन है RHS में? MA, ये रही। तो मास एक्सीलरेशन होता है LT माइनस टू। क्या LHS RHS के फर्स्ट क्वांटिटी के बराबर है? बिल्कुल आ रहा है। बट क्या LHS RHS के सेकंड क्वांटिटी के बराबर आ रहा है क्या? ML2 T माइनस टू MLT माइनस टू नहीं आ रहा, इसलिए ये डायमेंशनली सही नहीं है। अगर दोनों क्वांटिटी, ये तो आ रही है बराबर पहली वाली, लेकिन दूसरी वाली बराबर नहीं आ रही है। अगर बराबर नहीं आ रही है दैट मीन्स दोनों को बराबर होना जरूरी है, जैसे पीछे क्वेश्चन में मैंने लिए एग्जांपल्स में, इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये डायमेंशनली सही नहीं है। यहां दिख भी रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर तो होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला आया है हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो खुद काइनेटिक एनर्जी ही है। तो काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी है, तो एनर्जी में कौन ऐड होगा? एनर्जी में एनर्जी ही ऐड होती है। अगर ये एनर्जी है, एनर्जी कोई टाइप की हो, चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो। पहला एग्जाम्पल लिख रहा था एनर्जी बराबर आई थी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, तो ये काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो एनर्जी में एनर्जी काउंट हो जाएगी। बट एनर्जी में एफ बराबर एम ए, ये है फोर्स, तो काइनेटिक एनर्जी में फोर्स थोड़ी ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटी, दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग है, एनर्जी अलग फिजिकल क्वांटिटी है और फोर्स अलग फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ये फोर्स है तो इसमें कौन ऐड होगा? फोर्स ही। अगर ये एनर्जी है तो इसमें कौन ऐड होगी? एनर्जी ही। ये मैंने पीछे पहला एग्जांपल ही लिया था हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एच, जिसको हमने डायमेंशनली सही किया था, पहला एग्जाम्पल ही मेरा था ये हाफ एम वी स्क्वायर, तो डायमेंशनली बराबर आया था एम जी एच के। तो अगर यहाँ एम जी एच होता तो ये सही होता। अब यहाँ एम ए है तो एम ए तो फोर्स होता है, तो एनर्जी में कौन ऐड हो रहा है? फोर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि डायमेंशन क्या बोलती है? डायमेंशन बोलती है कि कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली तभी सही होगा जब उसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट उसी क्वांटिटी में किया जाए, दूसरी में होती ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये एक एप्लीकेशन और डायमेंशन का हमने देखा है, इसको करना है। ठीक है, अब मैं आगे क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको करके मेरे को शो करने होंगे। ठीक है।